क्या है, मसला है कोई? कोई मसला है तो बता दो, नहीं करूँगा। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday, no. क्या हाल है bro? ये है मेरा दोस्त स्लैश भाई अब्दुल्ला, जिसको मैं फॉर सम वियर्ड रीजन डिजास्टर बोलता हूँ, और जिनका नो लाइज फ्राइज के नाम का कराची में अपना रेस्टोरेंट है, जहाँ पे कातिल फ्रेंच फ्राइज और कातिल बर्गर्स मिलते हैं। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा दोस्त है, सच बता रहा हूँ, कातिल है। और जब मेरा वर्क डे खत्म होता है तो मैं कभी कभी यहाँ चले जाता हूँ, और फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं उनकी वाइफ साहिबा और मेरी दोस्त साहिबा हफ्सा के घर जाने के लिए, जैसे कि आज। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज पहली बार मेरा कैमरा हमारे साथ जा रहा है। बात बता, इस कैमरा के अंदर लेंस वगैरह लग सकती है? नहीं, इस कैमरा के अंदर खाली लेंस अपनी होती है। तो सस्ती चीजें क्यों लेते हैं? सस्ता नहीं है, महंगा है तब भी। तो बस कम दिए, महंगी है इन्होंने। और हफ्सा के घर पहुंचते ही हम ज्यादा कुछ नहीं करते, बस नॉर्मल चिलिंग होती है, कुछ खास नहीं होता। टीवी पे कोई शाहरुख खान की मूवी आ रही होती है, वो देख लेते हैं। दुनिया जहान की फजूल बातें डिस्कस कर लेते हैं। यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ यार, एवरीवन सो बिजी यार, यू नो लाइफ इज सच अ रेस यार। पिक्चर्स लेते हैं जैसे किसी की मेहंदी चल रही हो। आंटी को अपने अपने जिंदगियों के सारे मसले बताते हैं और हफ्सा बेचारी की हरकतों पे हंसते हैं। बट मुझे हफ्सा के घर की बेस्ट बात ये लगती है कि मैं यहाँ पे इतना कंफर्टेबल होता हूँ कि मुझे लगता है मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बोल दूँ, सब चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम मासी लग रही हो, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, तुम मासी, मैं लगा लूंगा, मेरा प्रोफेशन है ये, सॉरी मेरी गलती नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब तो मैं मजाक, अस्सलाम वालेकुम आंटी, सुनो जो सच्चाई है वो आ चुकी है सामने, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, सुनो पानी पिला दो प्लीज। अच्छा तुम काम करते हो, राघरो प्लीज जरा बैठने की फी ना हुआ करो, कि तुम चिल कर रही हो, काम वाम किया करो। अच्छा ला दो चार्जर प्लीज। अच्छा काम की बात कटा दिया क्या है? ये वाला पार्टी डालूंगा मैं। और वो है तुम पता है बेच के जो भी लोगी ना, वो शौक तुम्हारा हफ्ते का ही रहेगा। बेच के तुमने क्या पैलेस लिया था दुबई में? और इसका ऑब्वियसली रीजन ये है कि हमारी दोस्ती बहुत नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है। अब्दुल्ला को मैं जानता हूँ मेरे ए लेवल्स के टाइम से, जो अराउंड 8 साल पहले की बात है, जो बहुत टाइम होता है, और हफ्सा को मैं जानता हूँ अराउंड 6-7 ईयर्स से ही, जो भी बहुत टाइम होता है, और आंटी को मैं जानता हूँ अराउंड 5-6 ईयर्स से, जो भी बहुत टाइम होता है, तो मैं इन सबको बहुत टाइम से जानता हूँ। दूसरी बात ये कि दोस्ती के लिए बहुत जरूरी है कि आप एंड डाउन हर दोस्ती में आते हैं, लेकिन दिल से सिंसियर होना एक दूसरे के लिए। लेकिन सॉरी यार, पता नहीं बात कहाँ चली गई यार, जस्ट व्हेन आई एम टू कंफर्टेबल की मैंने असल में बात करनी है, वो एक ऐसी चीज है जिसमें मैं इतना कंफर्टेबल होता हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा बिस्तर नेक्स्ट लेवल, तखलिया। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, हे सब्सक्राइब सब्सक्राइब, क्या कह रहा हूँ।